स्वागत है आपका मीना की आवाज यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में किरोड़ी लाल की चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है और ऐसा लग रहा है कि 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के सर पर होगा। वैसे तो हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, परंतु किरोड़ी लाल मीना राजस्थान की जनता के सबसे पसंदीदा राजनेता है और राजस्थान की जनता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है, जिसके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना तीन बड़े प्लान बना चुके हैं, जिसमें पहला प्लान है बीजेपी में वसुंधरा विरोधी नेताओं के बीच मजबूत पकड़। हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के बाद वसुंधरा राजे से राजस्थान की जनता भी नाराज है और बीजेपी के बड़े नेताओं का भी वसुंधरा राजे से विश्वास उठ गया है, क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना है और बीजेपी को भी पता है कि अगर वसुंधरा राजे को सबसे आगे किया तो फिर बीजेपी के लिए राजस्थान में सरकार बनाना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए इस बार नया चेहरा ढूंढ रही है। वैसे तो बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे सहित कई बड़े नाम शामिल है। परंतु वर्तमान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होकर वसुंधरा विरोधी नेताओं के बीच अच्छी पकड़ बनाकर मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। और इसके बाद किरोड़ी लाल का दूसरा प्लान है जनता के बीच रहकर सीधे जनता से जुड़े रहना। हम आपको बता दें कि जनता के दुख दर्द में अगर कोई आगे आता है तो वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और दुख दर्द में राजस्थान की जनता सबसे पहले अगर किसी को याद करती है तो वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान में कहावत भी है, जिसका कोई न पूछे हाल उसके साथ किरोड़ी लाल। वर्तमान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और जनता के बीच रहकर जनता की सेवा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनता के सबसे पसंदीदा राजनेता बन चुके हैं। और किरोड़ी लाल मीणा का सबसे बड़ा हथियार भी राजस्थान की जनता है। इसके बाद किरोड़ी लाल का तीसरा प्लान है बीजेपी हाई कमान के साथ मजबूत रिश्ते। हम आपको बता दें कि अगर जनता के चाहने मात्र से ही मुख्यमंत्री बन जाते तो सचिन पायलट आज राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। इसीलिए आपको भी पार्टी के हाईकमान को अपने काम के दम पर ये साबित करना होगा कि आप भी पार्टी में मुख्यमंत्री की दावेदार हैं और ये काम करने में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे आगे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनाथ और अमित शाह के ही नहीं बल्कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पसंदीदा नेता बन चुके हैं। तो राजस्थान की जनता के पसंदीदा वसुंधरा विरोधियों के पसंदीदा और बीजेपी हाईकमान के पसंदीदा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अगली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने होंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या नहीं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।